वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। एज यूजुअल अपना फेमस कोट, एनर्जेटिक कोट डेली चलता रहता है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो, आपके अंदर जो ताकत है ना, ये बता देता हूँ, स्वामी विवेकानंद जी का कोट है, वहीं से मैंने चुराया है। तो आपके अंदर इतनी बड़ी ताकत है ना कि आप कुछ भी कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन देखो, मैं हमेशा क्लास के अंदर एक चीज़ बोलते आया हूँ कि आप जो भी करते हो उसके पीछे कुछ ना कुछ कंडीशन लगी होगी। कि आप पढ़ना तो चाहते हो लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप ये तो चाहते हो कि मेरे को SDM DSP रैंक मिले, लेकिन उस लेवल की मेहनत नहीं कर रहे हो। तो आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उस रैंक तक इजिली पहुंच पाओ, और उस रैंक तक को तो क्या सभी के सभी टॉप कर जाए। खैर, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को हरियाणा के बारे में जो बाकी की इन्फॉर्मेशन थी, जैसे फॉर एग्जांपल आपका CM हुआ, फॉर एग्जांपल आपका गवर्नर के बारे में कुछ बातें हुई, इमरजेंसी के बारे में कुछ बातें हुई, ये सारी की सारी बातें लगभग मैंने कवर करवा दी थी। अब एक क्वेश्चन पता है क्या, हरियाणा में डेफिनेटली बनता ही बनता और इस बार भी बनेगा, और वो क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन क्या आता है कि जैसे एग्जांपल ऐसे पूछ लेता है कि भाई इस CM के टाइम पे ये घटना, किसने लीकर को बैन किया, ऐसी जो घटना है उनके बारे में पूछ लेता है। तो आप, मैं पूरे CM की लिस्ट है, उस एक एक CM को हम लोग पकड़ेंगे, मतलब समझेंगे उनके बारे में, और जो जो मेन मेन डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा देख लें। किसी के बारे में ज़्यादा बातें होगी, किसी के बारे में कम बातें होगी, लेकिन वो चीज़ें आप लोगों को समझनी है। अब देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट CM कौन थे, प्रेजेंट में CM कौन है, यार ये चीज़ें है ना मेरे से ज़्यादा होगी नहीं, करवाई नहीं जाएगी। लेकिन हाँ, जो मेन मेन चीज़ें वो मैं आप लोगों की कवर करवा दूंगा, ये तो बच्चों वाली चीज़ें आप सबको पता है। देखो तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा, तो पहले तो मैं आप लोग को बता देता हूँ चीफ मिनिस्टर के बारे में। देखो होता क्या है, गवर्नर हर 5 साल के अंदर इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, या तो किसी एक दल की सरकार बनेगी, वन पार्टी की गवर्नमेंट होगी, या फिर कोलिशन पार्टी होगी, गठबंधन की सरकार होगी, 2-3 पार्टी ने मिलकर एक पार्टी, एक सरकार बना ली। उसमें से वो अपने एक नेता को चुनेंगे, और जो नेता, जो लीडर चुना जाएगा, वो जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे किसी भी हाउस का मेंबर हो, मतलब विधानसभा का मेंबर हो, उसको 6 महीने के अंदर अंदर, विद इन 6 मंथ के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर हो जाना चाहिए। अगर उस टाइम पे विधानसभा का मेंबर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो गवर्नर, मतलब उसको 6 मंथ का टाइम पीरियड दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब ऐसा सेम कंडीशन मंत्रियों की है, तो गवर्नर क्या करता है, गवर्नर अपॉइंटमेंट कर देता है जिसको लीडर के तौर पर चुना गया, CM को चुन दिया। CM एक लिस्ट तैयार करता है, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मंत्रियों का नाम लिखा होता है, कौन सा मंत्रालय वो लिखा होता है, ये लिस्ट जाती है अपने गवर्नर के पास। ये लिस्ट तैयार करवाई किसने, हमारे CM साहब ने। जब ये लिस्ट गई तो गवर्नर क्या करता है, CM की एडवाइस से उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, अपॉइंटमेंट कर देता है उन मंत्रियों की। कई बार जो कोलिशन पार्टी होती है, जैसे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि गठबंधन की सरकार किस किस तरीके से, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि एक मंत्रालय किसी को मिल गया, एक मंत्रालय किसी को मिल गया, ये क्यों हो रहा है, ये भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आपको आज का टॉपिक समझने में और ज़्यादा आसानी हो। देखो, ये इसलिए भी होता है कि मान लो कि गठबंधन की सरकार बनाई, राजनीति बनाई, और उसमें एक अदर पार्टी का कोई मिनिस्टर हमने मिलाया, अदर पार्टी का कोई MLA मिलाया है, और उसकी पहले से ही प्री कंडीशन थी है कि अगर मैं पार्टी में मिलूंगा तो मेरे को ये मंत्रालय मिलना चाहिए। तो वहां पर भी ये चीजें आपको दिखाई देगी कि मंत्रालय जो है किसी खास के पास भी जा सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग। हरियाणा के क्या क्या, कौन कौन CM रहे, किस किस के अकॉर्डिंग, और क्या क्या उनकी डेवलपमेंट रही है, देखिए तो शुरू करते हैं हम। तो जो अपने पहले CM है, पंडित भगवत दयाल शर्मा। तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि हरियाणा का फर्स्ट CM, बेसिक क्वेश्चन है ये तो सबको पता है, पहले CM है पंडित भगवत दयाल शर्मा। अब देखो, इनके बारे में एक ही चीज ध्यान रखनी है,
कि पहले सीएम रहे और 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967, मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर ये क्या रहेंगे, हमारे पहले सीएम रहेंगे। इनके कुछ डेवलपमेंट मैं आप लोग को बताता हूँ, छोटी सी डेवलपमेंट है, ज़्यादा तो कुछ है नहीं इनके बारे में। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी जो है, इन्होंने जो पंडित बीडीएस मेडिकल कॉलेज है उनका नाम चेंज करके पीजीआई एमएस का किया था, पीजीआई जो है रोहतक के अंदर वो इन्होंने किया था। दूसरा क्या है कि सीएम रहने से पहले ये गवर्नर रहे थे उड़ीसा और मध्य प्रदेश के, सॉरी उड़ीसा और मध्य प्रदेश के क्या रहे थे, गवर्नर भी रहे थे, तो शॉर्ट ड्यूरेशन रही थी। उसके बाद आपको पता है कि ये पहले सीएम थे, जब हरियाणा बना था तो उस टाइम पे ऐसी कंडीशन नहीं थी कि हम इलेक्शन करा सके, तो नॉन इलेक्टेड सीएम भी इनको कहा जाता है, गैर निर्वाचित सीएम भी इनको कहा जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्शन नहीं करवाए गए थे। उसके बाद से फिर इलेक्शन करवाने लग गए। तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में छोटी सी जानकारी आपको ध्यान रखनी है, जिनके बारे में ज़्यादा आएगी वो हम लोग बात करेंगे। अगला है राव बीरेंद्र सिंह। अब जो राव बीरेंद्र सिंह जो है, मैं भी राव साहब हूँ, विवेक यादव नाम देख लिया होगा आपने, अहिरवाल जो रीजन है, अहिरवाल जो रीजन है वो इनको काफ़ी मानता है, और इवन एक टाइम तो ऐसा आया था कि अगर राव बीरेंद्र सिंह ने हाँ बोली है तो हाँ है, ना बोली है तो ना बोली है। थोड़ा सा इनके बारे में आइए जानते हैं। इनकी जो पार्टी थी वो विशाल हरियाणा पार्टी थी। कौन सी पार्टी थी इनकी? विशाल हरियाणा पार्टी। ये हरियाणा के सेकंड सीएम रहे, नांगल जो रेवाड़ी के अंदर पड़ता है वो इनका रेजिडेंट था। थोड़ा सा समझना इनके बारे में। राव बीरेंद्र सिंह जो जी जो थे वो, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, और कहाँ से इलेक्शन लड़ा, जब हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के इलेक्शन हुए थे तो ये इलेक्शन हार गए थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। बाद में इन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन, और कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन की तो उसके बाद ये इलेक्शन जीते, और जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहीं से इन्होंने इलेक्शन जीता था स्टार्टिंग में। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी जीती तो अच्छी खासी जीत इनकी हुई, अहिरवाल के अंदर कुछ डेवलपमेंट की और काफ़ी नाम हुआ। फिर इन्होंने अपनी एक पार्टी बना ली, कौन सी? विशाल हरियाणा पार्टी। अब जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सीएम बनने से पहले हमारे क्या थे, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर भी थे। आपको पता है कि हरियाणा की पहली विधानसभा अध्यक्ष कौन? सन्नो देवी थी। और अगर मेल की बात आए, हरियाणा के फर्स्ट मेल स्पीकर तो कौन थे? वो लेजिस्लेटिव असेंबली। या कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि सीएम बनने से पहले राव बीरेंद्र सिंह जी किस पोस्ट पर थे। अब ये जो स्पीकर रहे हैं वो मार्च 7, 1967 से 23 मार्च 1967, तो कुछ दिनों का ही इनका टाइम पीरियड एज ए स्पीकर दिखाई देगा। तो लगभग 15-16 दिन ये स्पीकर के पोस्ट पर रहे थे। उसके बाद राजनीति ऐसी बनी थी कि ये जीतकर तो कांग्रेस की पार्टी से आए थे, लेकिन कुछ एमएलए के साथ मिलकर, देखो 1967 के टाइम पीरियड पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो 1967 का टाइम पीरियड है ये हरियाणा की राजनीति के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। इसी 1967 के टाइम पीरियड पे हुआ क्या था कि बहुत सारे एमएलए ने डिफेक्शन किया था, दल परिवर्तन किया था, और वो एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी जा रहे थे। अब 1967 के अंदर जो दल परिवर्तन हुआ, आया राम गया राम वाला कॉन्सेप्ट भी यहीं से ही आया, आपने देखा होगा, तीन बार एक बार तीन तीन पार्टियां, फिर तीन पार्टी छोड़कर फिर एक पार्टी ये की। अब प्रॉब्लम क्या थी, जब 1967 के अंदर डिफेक्शंस हो रहा था तो हरियाणा में भी ऐसा ही कुछ हुआ। फिर उसके बाद हरियाणा के अंदर लास्ट क्लास में आपने समझा, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। 1967 के टाइम तक हमारे पास एज सच कोई रूल नहीं था एंटी डिफेक्शन का। अगर आप लोग देखते हो 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है वो आई थी 52nd अमेंडमेंट 1985 के अंदर। 52nd अमेंडमेंट 1985 के अंदर 10th शेड्यूल आई। लेकिन जब आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 पढ़ते हो तो वहां पर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर का नाम लिया गया है। तो इसी की वजह से हरियाणा की ये राजनीति के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर जो चेंज आ रहा था उसी का रिजल्ट ये निकल कर आया, और ये सब इनके टाइम पे हो रहा है। रिजल्ट निकल कर ये आया कि आगे चलकर 52nd अमेंडमेंट 1985 होगा।
हालांकि इसके अंदर भी कुछ कमियां रही, फिर हमने उसको चेंज किया, 91st अमेंडमेंट लेकर आए, स्प्लिट मर्जर का कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर आए, तो ये कुछ परिवर्तन भी जो कहा जाता है 10th शेड्यूल का जो कॉन्सेप्ट है वो भी उसका ओरिजिन भी कहीं ना कहीं 1967 के टाइम पे ये जो MLA तीन तीन चार चार बार छोड़कर एक पार्टी दूसरी पार्टी फिर तीसरी पार्टी फिर चौथी पार्टी इस तरीके से जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। और आगे हम लोग बात करें इनके बारे में तो आपको पता है रेवाड़ी, रेवाड़ी जो एक नए डिस्ट्रिक्ट के रूप में बना है वो भी किनके एफर्ट से बना है, राव बीरेंद्र सिंह जी के एफर्ट से। अहिरवाल रीजन के अंदर बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। इवन अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे एक रेजिमेंट की बात काफी चल रही है, अहिर रेजिमेंट, उसकी डिमांड रखने वाले भी काफ़ी बड़े लेवल पर कौन थे, बीरेंद्र राव बीरेंद्र सिंह, बड़े शालीन व्यक्ति थे, बड़े सभ्य व्यक्ति थे। अब ये इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है। अगले जो अपने CM आते हैं वो कौन है, बंसीलाल, देखते हैं। हरियाणा में चार लाल रहे हैं, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल, मनोहर लाल, चारों के चारों लाल के बारे में थोड़ी सी स्टोरी जाननी है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उसके बाद जो बाकी के टॉपिक है वो भी हम लोग कवर करेंगे। हरियाणा के तीसरे CM रहे और चार टाइम हरियाणा के क्या बने, CM बने, वो टाइम पीरियड मैंने आप लोग को यहाँ पर लिख दिया है। अब इनके बारे में क्या ध्यान रखना है, इनके बारे में काफ़ी चीज़ें जो है फेमस है वो आपको ध्यान रखनी है। पार्टी आपको दिखाई देगा इंडियन नेशनल कांग्रेस से चुनकर आए थे। अब देखो 1968 से 1975 एक बड़ा दौर था। अब आप इस टाइम पे ये भी देख सकते हो कि सेंटर के अंदर, केंद्र के अंदर हमारी किसकी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि उस टाइम पे कांग्रेस का इतना दबदबा था कि अगर स्टेट के अंदर भी इलेक्शन होते तो कांग्रेस जीतती थी। 75 के अंदर जब इमरजेंसी लगाई गई इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पर, तो उस टाइम पे स्टेट के अंदर भी जब जनता पार्टी की सरकार आई 77 के अंदर, तो काफ़ी स्टेट के अंदर भी किसकी सरकार नहीं बन पाई थी, कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। और सेम रीजन आप लोगों ने लास्ट क्लास में समझा क्या, कि 77 के अंदर जब वो लोग सीटें नहीं जीत पाए तो उसी का रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि हरियाणा के अंदर भी क्या लगता है, प्रेसिडेंट रूल लगता है। 75 के बाद ये 1986 से फिर 89 तक रहेंगे, ये हटा देना भाई, 19 जून है ये, 1987 तक रहेंगे, फिर 1996 ये इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मैं नोट्स के अंदर इनकी डेट ठीक लिखवा दूंगा। 96 अभी यहाँ पर ध्यान रखना। देखो भैया, इन्होंने पार्टी बनाई कौन सी, हरियाणा विकास पार्टी, इनकी पार्टी कौन सी थी, हरियाणा विकास पार्टी। 1996 के अंदर ध्यान रखना आपको, 96 का जो टाइम पीरियड आया, ये वाला टाइम पीरियड 96 का, जुलाई 96 का, इनकी जो पार्टी, ये जो जिस पार्टी से इलेक्शन लड़ते थे कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से, उसको छोड़कर हरियाणा विकास पार्टी बनाते जिसको हवीपा भी कहा जाता है। और इन्होंने हरियाणा के अंदर इतने डेवलपमेंट किए, इतने विकास किए, जिनके कारण इनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न हरियाणा भी कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का जनक भी कहा जाता है। क्या क्या डेवलपमेंट थे वो अभी हम लोग देखेंगे, और किस किस तरीके से वो किए हम लोग वो अभी अगली स्लाइड्स के अंदर वो देखने वाले हैं। तो इन डेवलपमेंट के कारण इनको क्रिएटर ऑफ मॉडर्न हरियाणा भी कहा जाता है, और वाकई में है भी। आप सोच सकते हो कि 1991 में, देखो मैं आप लोग को बताता हूं, 1991 के अंदर LPG रिफॉर्म्स हम लोग लेकर आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, देश किस हालात से गुजर रहा होगा उस टाइम का आप अंदाजा लगा सकते हो। और 96 के अंदर इन्होंने पूरे हरियाणा के अंदर किसको बैन किया, लीकर को बैन किया। तो शराबबंदी जो किसके टाइम पे हुई, इनके टाइम पे। एक थोड़ा सा वाक्य मैं आप लोग को बता देता हूँ, उस टाइम पे हमारी जो मिनिस्टर साहब थी कविता जैन जी, उन्होंने स्टेटमेंट भी दी मीडिया के सामने कि लीकर बैन का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक पड़ोसी राज्य के अंदर भी लीकर बैन ना हो। हालांकि सरकार का अच्छा कदम था, 96 का टाइम पीरियड ऐसा था कि वहाँ पर बहुत बुरी हालत हो रही थी हरियाणा के अंदर शराब को लेकर,
और वो टाइम पीरियड तो यार हम लोगों ने भी देखा है कैसा था। जब शराबबंदी हुई तो कविता जैन जी की स्टेटमेंट आज भी ध्यान आती है कि कविता जैन जी ने कहा था कि यार अगल बगल के स्टेट में अगर शराब बिक रही है तो कोई फ़ायदा है नहीं। हमारे लोग क्या करते थे, राजस्थान के अंदर बिकती थी। अब ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो है ही, यहाँ से हरियाणा से छोड़कर ट्रांसपोर्ट के जरिए राजस्थान जाते थे और वहाँ से शराब लेकर आते थे। तो शराबबंदी कर दी, अच्छी बात है, लेकिन आपको ऐसी चीज़ों पर रोक भी लगानी चाहिए। कैसी चीज़ों पर, कि भाई पड़ोसी राज्य अगर बेच रहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर रूल होना चाहिए, एक रेगुलेशन होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक अच्छा कदम था लीकर बैन का। तो ये एग्ज़ाम, ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है, कब इन्होंने शराबबंदी की। अब यार मेंस में ये तो नहीं लिखना है कि शराबबंदी क्यों की क्यों नहीं की, तो ये पहले सीएम बने जिन्होंने ऐसा किया। लेकिन यार 2 साल तक देखा इन्होंने हरियाणा के अंदर शराबबंदी को लेकर, कोई रिजल्ट नहीं निकला। अब भी पड़ोसी राज्य से भी क्या आ रही थी, शराब आ रही थी। फिर दूसरा क्या हुआ कि जो शराब है वो आपको पता है एक बड़ा रिवेन्यू है, एक बड़ा राजस्व है। आप लोगों ने लॉकडाउन में भी देखा होगा सरकार के पास रिवेन्यू कम की कमी आ रही थी। लीकर शॉप को जैसे ही ओपन किया उसके बाद आप लोगों ने भीड़ देखी होगी, दिल्ली के अंदर देखी होगी, दूसरे स्टेट के अंदर भीड़ देखी होगी। तो इससे पता चल रहा है कि भाई लोग कितने आदी हैं उस चीज़ के। और इवन और तो और जो हमारी जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो लेडीज़ हैं, वो भी जो लड़कियां, वो भी जो है लाइन में लगकर जो है शराब लेकर आई थी इस टाइम पे। तो ये है, तो 96 से लेकर 98 तक इन्होंने किया, 98 के अंदर लीकर बैन को हटा दिया, क्योंकि पड़ोसी राज्य के अंदर वो लीकर बिक रही थी और उस चीज़ का कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा था। एक इन्होंने और अच्छा काम किया, वो आपको देखो क्या ध्यान रखना है, फाउंटेन सिस्टम और किया इन्होंने लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। ये क्या होता है, देखो देखो अपना हरियाणा स्टेट आपको पता है कि ओवरऑल सूखा क्षेत्र है, ड्राई रीजन है, रेनफॉल कम होती है और हम लोग टोटली डिपेंड है एग्रीकल्चर के ऊपर। जब एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग डिपेंड है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि यार हमारे पास, हम लोग फर्टिलाइजर अवेलेबल करवा लेंगे, यूरिया अवेलेबल करवा लेंगे, DAP अवेलेबल करवा लेंगे, लेकिन खाद अवेलेबल करा लेंगे, पानी कहाँ से लाएंगे। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने एक तरीका निकाला कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, जो हरियाणा का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, जो नॉर्थ वेस्ट हरियाणा का नॉर्दर्न रीजन जो है, वहाँ पर तो ईजिली रेनफॉल का वाटर मिल जाता है, वर्षा का जल मिल जाता है, लेकिन सदर्न हरियाणा के अंदर प्रॉब्लम आती है और मिड हरियाणा के अंदर। तो ये एक नया सिस्टम लेकर आए, कौन सा, फवारा सिंचाई बड़े लेवल पर की, ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम इन्होंने लागू किया। इवन बंसीलाल ने तो ये भी किया कि दूसरी कंट्री के अंदर जो जो इरिगेशन का सिस्टम चल रहा है उसको मैं अपने हरियाणा के अंदर लागू करूंगा। अब इसका बेनिफिट ये हुआ कि उस टाइम पे जब इन्होंने इरिगेशन के अंदर नए नए डेवलपमेंट किए तो हमारा जो फूड ग्रेन है वो पहले के कंपैरिजन में अराउंड 25-30% के अराउंड बोल रहा हूँ मैं, वो इंक्रीज हो गया था इन्हीं सिस्टम की वजह से। क्योंकि ऐसे भी गांव हैं आज के टाइम पे, ऐसी भी जगह है जहाँ पर इस टाइम पे लोग को सिंचाई के माध्यम नहीं पता था, मेथड्स ऑफ इरिगेशन उनको नहीं पता था। तो इन्होंने नए नए मेथड लेकर आए। आज भी देखते हो आप लोग फव्वारा सिंचाई काफ़ी सक्सेस हो रही है, ड्रिप इरिगेशन काफ़ी सक्सेस हो रहा है, लिफ्ट इरिगेशन काफ़ी सक्सेस हो रहा है। तो ये इरिगेशन के नए नए मेथड्स लेकर आए एग्रीकल्चर के अंदर। और इवन इन्होंने इसी टाइम पर आपको दिखाई देगा, जो इनका जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड पर आपको एक चीज़ और दिखाई देगी कि जो हमारे जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है उनको लेकर भी इन्होंने फरीदाबाद के अंदर जब स्पीच दी तो उन्होंने नए नए इक्विपमेंट का भी वहाँ पर जिक्र किया। देखो सिंपल सा मतलब ये था, अगर एग्रीकल्चर बढ़ता है तो एग्रीकल्चर बढ़ने का मतलब है कि अपना हरियाणा बढ़ रहा है, क्योंकि हरियाणा का मेन, हरियाणा के लोग का मेन ऑक्यूपेशन ही क्या है, एग्रीकल्चर है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर आपको चीज़ें दिखाई देगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एग्रीकल्चर और हरियाणा, इन्होंने नए नए मेथड किए, कुछ डिसीजन इन्होंने ऐसे लिए, वो किसी दिन यार टाइम मिला तो और अलग से बात करेंगे उनके ऊपर, तो जिनके कारण इनको आयरन मैन ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है
कि सेंटर के अंदर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर 1975 से 77 तक ये डिफेंस मिनिस्टर रहे, 84 से 86 तक रेलवे मिनिस्टर रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पर। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि डिफेंस मिनिस्टर और रेलवे मिनिस्टर कौन थे। ये थे अपने कौन, बंसी लाल, पहले लाल अपने। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जो है वो है बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता जो है ऑल इंडिया वेस फाउंडेशन के मेंबर भी रह चुके थे, वैसे समाज जो है ऑल इंडिया वेस फाउंडेशन उनके मेंबर भी रहे थे, और रोहतक का जो वेस कॉलेज है उनके अंदर भी इनका काफी डेवलपमेंट रहा है। पार्टी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, और टू टाइम्स क्या बने ये हरियाणा के सीएम अपॉइंट हुए। ज़्यादा इनके बारे में और कुछ ज़्यादा खास चीज़ें है नहीं, तो इनके बारे में ध्यान रखना है। बनारसी दास गुप्ता, भगवत दयाल शर्मा, उसके बाद मैंने बीरेंद्र सिंह जी के बारे में बताया, राव बीरेंद्र सिंह, बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता। अब अगला समझना है, अगले जो लाल है वो अपने कौन है, देवी लाल। अब इससे ही पता चल जाएगा इनका जो रेजिडेंट है वो है कौन सा, छोटाला विलेज कहां का है, सिरसा का। देवी लाल, ये छोटाला से ही आप लोग ध्यान रख लो, ओम प्रकाश चौटाला के फिर दो, एक अजय सिंह चौटाला, एक अभय सिंह चौटाला। अजय सिंह चौटाला आपको पता है, दुष्यंत चौटाला, ये इस तरीके की चीजें चलती आ रही है। तो देवी लाल के बारे में एक चीजें ध्यान रखते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल मेन जो पार्टी है वो कौन कौन सी, इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, और हरियाणा की एक बड़ी पार्टी के रूप में ये उभर कर आ रही है। देखने इनको एक नाम से और जाना जाता है, जननायक और ताऊ के नाम से, जननायक, जनता के नायक थे। अब एक दो किस्से कहानी एक थोड़ा सा मैं आप लोग को इनके बारे में बताऊंगा कि क्या हुआ था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि लोकराज जो है वो लोकलाज से चलता है, लोकराज जो है वो किससे चलता है, लोकराज। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको जनता के बीच रहना है, पीपल का रिप्रेजेंटेटिव बनकर रहना है, तो आपको लोकलाज रखना पड़ेगा। अगर आपको आप जनता से कटकर रहोगे तो ध्यान रखना कि लोकराज को नहीं चला पाओगे। हमारे यहाँ पर अलग अलग स्टेटमेंट लोकराज की दिखाई देती है, तो यहाँ लोकराज का मतलब है कि आप जनता से जितना ज़्यादा नज़दीकियाँ बनाओगे, जनता की बातों को आप अप्लाई करोगे, उसी से आपका लोकराज चलेगा। और यही रिजल्ट रहा है कि जनता के बीच में इतने फेमस थे कि इनेलो पार्टी, एक टाइम पीरियड तो ऐसा आया था कि जब जैसे राव बीरेंद्र सिंह एक टाइम पे फेमस हुए, ऐसा ही टाइम पीरियड किसका था, देवीलाल का था। दूसरा आपको दिखाई देगा कि ये हरियाणा, ये जो है केंद्र के अंदर हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को एक वाकया बताऊंगा। देखो आपको ध्यान होगा कि यहां पर जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया था, वो जो रिजर्वेशन है उसका बैकग्राउंड भी कहीं ना कहीं यहीं पर तैयार हो रहा था। कैसे, मैं थोड़ा सा आप लोग की एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं। देखो हुआ क्या था, देवीलाल जी एक तरफ वीपी सिंह और एक तरफ कौन थे, चंद्रशेखर। ठीक है, तो हुआ ये था कि भाई इलेक्शन हुए, इलेक्शन के अंदर डिसाइड होना था कि पीएम कौन बने। चंद्रशेखर जी चाहते थे कि देवीलाल पीएम बने, लेकिन देवीलाल ने मना कर दिया था कि यार मैं पीएम की पोस्ट पर नहीं रहूंगा, डिप्टी पीएम रह लूंगा। ये देवीलाल चाहते थे कि कौन पीएम बने, ये चाहते थे कि वीपी सिंह पीएम बने। अब यहाँ पर ये वाक्या भी बताया जाता है, जैसे बुक किताबों में भी लिखा, और जो पीएम अपना जो सीरियल आता है उसमें भी ये वाक्या दिखाया गया है राज्यसभा द्वारा, कि यहाँ पर चोरी चुपके से ये भी होता है कि देवीलाल जो है उनके नाम को सपोर्ट करते हैं, वीपी सिंह के नाम को सपोर्ट करते हैं। चंद्रशेखर को ये बात पसंद नहीं आती है। जब चंद्रशेखर को ये बात पसंद नहीं आती है तो वो सीएम तो बन जाते हैं वीपी सिंह, लेकिन एक टाइम के बाद ये होता है कि चंद्रशेखर एक अलग मोर्चे पर चले जाते हैं, देवीलाल उनके जो बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला, अजय सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला, ये लोग हरियाणा के अंदर लड़ रहे हैं। जब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हरियाणा के अंदर जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा, तो वहाँ पर बताया जाता है कि कई जगह पर इलेक्ट्रोल मल प्रैक्टिस हुई है,
वहाँ पर पोल बूथ को के साथ छेड़छाड़ हुई है, तो ऐसे बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो वीपी सिंह का दबाव बना देवीलाल के ऊपर कि यार अपने बेटे को समझा चौटाला साहब को कि क्या कर रहा है यार, इस तरीके से सरकार नहीं चलती है। और फिर ये ऐसा टाइम पीरियड आया कि वीपी सिंह, देवीलाल और एक तरफ कौन है चंद्रशेखर, इन तीन का अलग अलग गुट बन जाए। और सच ये था कि देवीलाल के जो बेटे हैं ओम प्रकाश चौटाला, वो उन्होंने काफ़ी मतलब इन्होंने काफ़ी गड़बड़ी की हरियाणा के लेवल पर जब इलेक्शन हुए इसको लेकर, इसलिए उनका इलेक्शन रद्द हुआ, दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ा और फिर दोबारा उसको फिर इलेक्ट्रोल मल प्रैक्टिस के अंदर रखा गया। तो ये वाक्य चल रहा था। फिर एक टाइम पीरियड ऐसा आया कि चंद्रशेखर जो कि काफ़ी फेमस चेहरा भी थे इस टाइम के, और नो डाउट अगर इलेक्शन होते या फिर कुछ ऐसी कंडीशन होती तो शायद चंद्रशेखर का नाम भी सामने आता। तो रैली को लेकर बातें हुई, तो वीपी सिंह को पता था कि चंद्रशेखर और देवीलाल अगर ये दोनों एक हो गए या फिर इन्होंने अलग अलग कर लिया और ये रैली करेंगे तो जाहिर सी बात है मेरे को हारना है। वीपी सिंह ने एक चाल चली और क्या कर दिया उन्होंने, पूरी भारत की जनता को किसमें डाल दिया, ओबीसी रिजर्वेशन। इनको पता है कि लगभग 52% पॉपुलेशन है ओबीसी की और ये सही टाइम पीरियड है कि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जा सके। तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवा दिया किसने, वीपी सिंह ने। और ये यहाँ पर पूरा वाकया डिप्टी पीएम उस टाइम पे अपने कौन थे, देवी लाल थे। तो ये पूरा का पूरा वाक्य इस तरीके से चला। तो इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दी, लोकराज लोकलाज से चलता है। तो ये दो बार हरियाणा के क्या बने थे, हरियाणा के सीएम बने थे। देखो अगला पॉइंट क्या ध्यान रखना है यार, एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। हरियाणा के अंदर माना जाता है, हरियाणा की राजनीति के अंदर वो सीएम सबसे ज्यादा सक्सेस रहा है जिन्होंने फार्मर्स को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर कुछ स्टेप्स उठाए हैं। 1986 का ये टाइम पीरियड ऐसा था कि इस टाइम पीरियड पे हरियाणा काफी समस्या से गुजर रहा था। एक तो ये था कि यार उतनी ज़्यादा हमारे पास वाटर सप्लाई नहीं थी, जल की आपूर्ति नहीं थी। 1986 का ही टाइम पीरियड ऐसा था कि वहाँ पर हरियाणा के कुछ क्षेत्र के अंदर सूखे जैसी समस्या नज़र आई, मानसून ने भी देरी की आने के अंदर। तो इन सारी प्रॉब्लम के चलते काफ़ी किसानों ने उस टाइम पे आत्महत्या भी की और उनके ऊपर जो लोन था, तो 1986 के अंदर इन्होंने किसानों की क्या कर दी थी, कर्ज माफ़ी कर दी थी, लोन माफ़ कर दिया था 86 के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप था 1986 में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट आ गए कौन, अपने भजन लाल, ठीक है, बिश्नोई कुलदीप बिश्नोई का आपने नाम सुना होगा, भजन लाल। देखो एक ग्रुप आया कौन सा, देवीलाल, एक ग्रुप आया कौन सा, भजन लाल। कैसे ग्रुप आया, देवीलाल चौटाला, भजन लाल बिश्नोई परिवार, इस तरीके से चलता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि क्या कुछ सिचुएशन है। हिसार का जो आदमपुर है, आदमपुर मंडी, वहां के रेजिडेंट थे और कुलदीप बिश्नोई हुए, बिश्नोई जो भी हुए, ये जो है आदमपुर मंडी जो है यहाँ से इलेक्शन लड़ते हैं और काफ़ी अच्छी पकड़ है। लेकिन बाद में तो इनकी जो पार्टी थी हजगा पार्टी, हरियाणा जनहित पार्टी, इनके जो बेटे थे कुलदीप बिश्नोई, उन्होंने इस पार्टी को मर्ज कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा था कि भारत की राजनीति के अंदर काफ़ी नामी चेहरा बन चुके थे ये भी और इनके बेटे भी। तो हजगा इनकी जो पार्टी थी हरियाणा जनहित कांग्रेस, ये इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2 दिसंबर 2007 को। देखो एक पुलिस की तैयारी करने वाला, एक पटवारी की तैयारी करने वाला फैक्चुअल रटेगा, डीएसपी की तैयारी करने वाला, एसडीएम की तैयारी करने वाला, मतलब सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को समझेगा, उसके साथ फैक्चुअल को रटेगा। तो ये जो अपनी क्लास है ध्यान रखना, फैक्चुअल तो होती होती है लेकिन फैक्चुअल के साथ साथ ये समझते कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, कॉन्सेप्चुअल भी होती है। हाँ जहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं तो उसके अंदर ज़बरदस्ती के कॉन्सेप्ट में लेकर नहीं आऊँगा। शराबबंदी की, शराबबंदी में क्या कॉन्सेप्ट बताऊंगा। हाँ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये आ सकती है कि भाई इतना रिवेन्यू कम हुआ, ये हुआ, लेकिन वो आपके काम की है नहीं। तो वही चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी है। 2017 के अंदर मर्ज कर दिया था किसके अंदर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। ये भी कितने बार सीएम बने,
दो बार ये सीएम बने और ही वॉज द चीफ मिनिस्टर हरियाणा फॉर ऑलमोस्ट लगभग ये कितने बार थे बारहों। एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये मंत्रालय इनके पास था, तो इसलिए आपको दिखाई देगा कि कृषि मंत्रालय इनके पास था, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री थी, और इन्होंने हरियाणा के अंदर भी काफ़ी डेवलपमेंट किया हर्बल पार्क्स को लेकर, मेडिसिन प्लांट्स को लेकर, और यही नहीं इवन इनके जो बेटे भी हुए उन्होंने भी हरियाणा के अंदर पंचकुला रीजन के अंदर बाकी भिवानी रीजन के अंदर भी हर्बल प्लांट्स को लेकर इन्होंने काफ़ी डेवलपमेंट किया है। तो ये थे कौन, भजन लाल। चलिए अब मूव करते हैं अगले पर, ओम प्रकाश चौटाला जी, पता होगा अभी ओम प्रकाश चौटाला। जैसे ही चौटाला नाम आता है, सिरसा गांव है, देवीलाल के बेटे हैं और ये भी किस गांव से, सिरसा के चौटाला गांव से संबंध रखते हैं। कौन सी पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोकदल। अब देखो ओम प्रकाश चौटाला के एक बेटे हुए अजय चौटाला, दूसरे हुए अभय चौटाला, अजय चौटाला के कौन हुए, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला अभी आपको पता है किस डिप्टी सीएम की पोस्ट पर है, ये दुष्यंत चौटाला इन्होंने जो पार्टी बनाई वो है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, और बीजेपी सरकार के साथ अभी क्या है गठबंधन के अंदर। देखो ये पांच बार हरियाणा के क्या रहे, सीएम रहे अलग अलग टाइम, इसको पढ़ लेना नोट्स के अंदर। और इवन एक टाइम पीरियड तो ऐसा भी था कि सिर्फ पांच दिन के लिए हरियाणा के सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए ये क्या बने थे, पीएम बने थे। अब हुआ क्या मैं आप लोग को बता देता हूं कि अभी ये इनको ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला को जेल हो रखी है, सॉरी। देखो 2013 के अंदर लगभग अराउंड 3206 जेबीटी टीचर थे, उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर घोटाला हुआ था और संजीव कुमार जो कि आईएएस है उन्होंने एक पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट के पास और ये सिद्ध पाया गया। तो ओम प्रकाश चौटाला, ओपी चौटाला और अजय सिंह चौटाला ये दोनों 10-10 साल के लिए क्या है, जेल के अंदर बंद है। और इनके जो बेटे हैं अजय चौटाला के, कौन, दुष्यंत चौटाला, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, कौन सी, जननायक जनता पार्टी। देखो अब जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा कि दुष्यंत चौटाला जो है लास्ट टाइम में जब हमारी यूनियन गवर्नमेंट में थे, केंद्र सरकार के अंदर मतलब सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि एक तो ये सबसे कम उम्र के हैं, दूसरा दुष्यंत चौटाला आपको दिखाई देगा, एक तो यार इनकी पूरी पढ़ाई ना विदेश से हुई है, राजनीति के अंदर आपको दिखाई देगा इतनी कम उम्र के अंदर इतनी अच्छी नॉलेज होना और इतनी अच्छी डिबेट करना। सबसे ज़्यादा इन्होंने जब हरियाणा की आप पॉलिटिक्स में देखोगे तो दुष्यंत सिंह चौटाला ने सबसे ज़्यादा डिबेट के अंदर पार्टिसिपेट किया था, सबसे ज़्यादा बोलने वाले थे, सबसे ज़्यादा सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले थे, क्रिटिसाइज करने वाले थे। ये इतना दबदबा आया कहाँ से, अब आप खुद सोचो कि दादा कौन है इनके, देवीलाल, एक काफ़ी नामी चेहरा। पापा कौन है, सॉरी दादा कौन थे, ओम प्रकाश चौटाला, परदादा बोल दो भाई, देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अजय चौटाला। अब ये जो है ओम प्रकाश चौटाला अपने टाइम का एक ऐसा नाम था जिसको हम लोग जिसको बोलते थे इनेलो का एक दबंग आदमी, हाँ भाई ये डिसीजन लेना है तो ये दबंग। और यार इन्होंने है ना बहुत सारी अपॉइंटमेंट है ना जो भर्तियाँ की वो बड़ी गलत तरीके से की, इसकी वजह से आज वो जेल में बंद है। इतना दबंग नाम, इतना दबंग वो, तो जाहिर सी बात है जिस घर में रह रहे, जिस घर में पल रहे बढ़ रहे हैं, कोई आईएएस आ रहा है, कोई आईपीएस आ रहा है, कोई भी आ रहा है, तो उनके साथ ही जब छोटे थे तो आराम से खेल रहे थे। अब ऐसा आदमी जो शुरुआत से ही उस माहौल में पला बढ़ा है तो एक टाइम के बाद तो वो सारी राजनीति वाली चीज़ें तो उसके खून के अंदर दिखाई देगी। खैर वो तो ये चीज़ थी, तो ये आपको ओम प्रकाश चौटाला के बारे में ध्यान रखना है। अगले जो है वो है हुकुम सिंह, इनके बारे में तो कुछ खास है ही नहीं, बस ये है कि चरखी जो आज के टाइम पे, चरखी दादरी आज के टाइम पे, उस टाइम पे भिवानी में हुआ करता था, और पार्टी इनकी जो है जनता दल पार्टी, ये वही जनता दल पार्टी है जो 1977 के अंदर जनता पार्टी के साथ मोरारजी देसाई जो कि उस टाइम पे क्या बने थे,
पीएम बने थे, जनता पार्टी के सरकार किसमें आते हैं, सत्ता के अंदर आते हैं। तो ये कोलिशन पार्टी में जनता पार्टी, जनता दल पार्टी थी जो कि जनता पार्टी केंद्र के अंदर थी। सीएमओ हरियाणा 1990 से 22 मार्च 1991 तक ये रहे हैं। तो अगले सीएम जो अपने हैं वो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। दीपेंद्र हुड्डा सुना होगा आप लोगों ने, इनके बेटे का नाम। अब इनके बारे में एक बार देखते हैं हम लोग। पार्टी जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और कहाँ के, सांगी जो कि रोहतक के अंदर है, वहां के ये रहने वाले हैं। हरियाणा के पहले सीएम जो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, मतलब स्वतंत्र भारत 1947 के बाद जिनका जन्म हुआ वो पहले सीएम है, और हरियाणा के सीएम रहे दो बार लगातार 2004 से लेकर 2014 तक, 10 साल तक ये हरियाणा के सीएम रहे। कुछ खास चीजें है नहीं, अगले देखते हैं। अगला जो अपना है आज के टाइम पे आप जानते भी हो, अपने मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा के पहले बैचलर सीएम। तो पहले सीएम जो रिपब्लिक इंडिया में और दूसरे जो इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जन्मे है, गणतंत्र भारत के अंदर 1954, मतलब उनका 47 से 50 के बीच में, ये ध्यान रखना है। निंदाना खास जो है वो इनका बर्थ प्लेस, और करनाल से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये रहे, एमएलए कहाँ से, करनाल से। इनके बारे में देखो क्या है, यानी फोर्थ लो लाल ऑफ हरियाणा, ये तो आपको पता ही, चार लाल हुए उसमें चौथे लाल कौन से, मनोहर लाल खट्टर। कुछ चीज़ें इन्होंने बहुत अच्छी की है जिनके पीछे इनकी दाद भी देनी पड़ेगी। सबसे पहले तो पुलिस रिफॉर्म्स, आप लोग देखते हो इन्होंने हर समय ये जो है हर समय करके ये एक स्कीम, सॉरी एक प्रोग्राम चला रखा है हर समय 24/7। देखो वुमेन सेफ्टी को लेकर बातें जो करना वो एक बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने ये कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा और 24/7 वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो पुलिस रिफॉर्म के अंदर इवन पुलिस कमिश्नर रेंज को भी इन्होंने काफ़ी बढ़ाया है। इन्होंने पुलिस नए बहुत सारे पुलिस थाने भी कर बनवाए हैं, वो सब के सब जो किए गए हैं उसमें आप देख सकते हो पुलिस रिफॉर्म के अंदर कितना बड़ा आपको चेंज इनके दिखाई देगा। दूसरा क्या है, ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नेंस, जैसे फॉर एग्जांपल सीएम विंडो का एग्जांपल भी आपको इनके अंदर, इसके अंदर दिखाई देगा। ई गवर्नेंस के क्षेत्र के अंदर काफ़ी अचीवमेंट इन्होंने हरियाणा को दी है, काफ़ी उपलब्धियां हरियाणा को मिली है इनके टाइम पीरियड में। अगला है वुमेन एम्पावरमेंट, सबसे बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको पता है हरियाणा का सेक्स रेशियो लास्ट जो सेंसस हुआ था उसमें 877 था, 1000 के पीछे 877 लड़कियां, जो कि बहुत ही कम था, और आज वही सेंसस 900 के पार जा चुका है। तो बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को मूर्त रूप देने वाले, भ्रूण हत्या के ऊपर भी नए नए कानून बनाने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर भी इन्होंने नए नए कानून बनाए हैं। तो वो कौन है, मनोहर लाल खट्टर जी है। तो ये कुछ जानकारी इनके बारे में थी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने हरियाणा के जो सीएम्स हैं उनके बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रख ली है, आपको ये चीज़ें पता चल गई। बाकी एक दो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोग के नोट्स में डलवा दूंगा। अगला जो आपके टॉपिक आते हैं उसमें जैसे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ, एग्जाम में हालांकि यही क्वेश्चन पूछेगा देखो कि कितने मेंबर है उसके अंदर एट प्रेजेंट, काम क्या है उनका, वो तो आपको जनरली पता ही चल जाएगा। जैसे आप पॉलिटी पढ़ोगे तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेचुरी बॉडीज पढ़ोगे आप लोग, तो वो तो आप लोग वहां पर कवर कर लोगे, लेकिन हरियाणा के पर्सपेक्टिव में क्या खास है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC। देखो HPSC की अगर मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, पंचकुला के अंदर, और पहले जो प्रेसिडेंट थे इसके कौन थे, दरबारी लाल गुप्ता। प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है, आलोक वर्मा। मेंबर कितने हैं, 8 मेंबर। अब UPSC पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, अगर इनकी हम लोग बात करें तो
यूनियन लेवल पर जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? उनकी अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। स्टेट लेवल के पब्लिक सर्विस कमीशन की अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। और कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंदर प्रोविजन किया गया है? आर्टिकल 309 के अंदर प्रोविजन किया गया है। क्या फंक्शंस होते हैं एचपीएससी के, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, या किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, वो एक बार ये हम लोग जानते हैं। तो अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर करता है। और जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंबाइंड सर्विसेज की बात करता है, मतलब यूनियन की और किसकी, स्टेट सर्विस कमीशन की। और आप लोग भी तो इसी की तैयारी कर रहे हो, हरियाणा सिविल सर्विस की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कितने मेंबर हैं और कौन अपॉइंटमेंट करता है। बाकी तो आप लोग देखोगे तो यार चेतन सर आपको है ना पूरा पब्लिक सर्विस कमीशन, विजिलेंस कमीशन, ये जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैचुरी बॉडीज़ हैं, वो आपको चेतन सर कंप्लीट डिटेल के अंदर करा देंगे। मैं आपको बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। सिंपल है, एक तो सबसे पहला काम एचपीएससी का क्या होता है? कंडक्टिंग रिटर्न एग्जाम एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो भी होती है, रिटर्न एग्जाम की जो होती है, वो करवाई जाती है। देखो इसके वही फंक्शन होंगे जो यूपीएससी के होते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के, स्टेट के अंदर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के। मेंटेन एंड डिसाइड सर्विस रूल, सर्विस रूल को मेंटेन करना और डिसाइड करना, ये है। एडवाइस टू द हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार को लगता है कि कल की डेट को एक नई सर्विस लेकर आते हैं और उस नई सर्विस के अंदर देखो, जैसे आप यूनियन लेवल पर देखते हो, ऐसे एक एग्जांपल देता हूँ। जब आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है, सीसेट एग्जाम आया था यूनियन लेवल पर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। तो सीसेट को लेकर बड़ी मारामारी हुई, आंदोलन भी हुए, मुखर्जी नगर रीजन के अंदर भी आंदोलन हुए। तो उस टाइम तक बच्चों को ये नहीं पता था कि कौन सा काम किसका है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम क्या है और डीओपीटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, इसका काम क्या है। तो बड़ा ही कन्फ्यूज रहते थे, वो सोचते थे यार ये सारा ही काम किसका है, यूनियन का है, यूपीएससी का है। उस टाइम पे आपको दिखाई देगा कि यूपीएससी का काम होता है एग्जाम कंडक्ट कराना, सिलेबस क्या होगा, कौन सी चीज़ें हटेगी, कौन सी नहीं आएगी, इन सारी चीज़ों को लेकर ये एडवाइस देता है गवर्नमेंट को। अप्लाई किसको करना है? फाइनली डीओपीटी को, मतलब हमारे मंत्रालय को ही करना है। तो यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ दिखाई देगी कि हरियाणा गवर्नमेंट भी जो है उसको भी क्या करना है, ये उसको भी एडवाइस देना इन मामले। कल के डेट को हरियाणा सरकार कहे कि हम हरियाणा एसएससी के कुछ एग्जाम जो है वो ग्रुप ए की सर्विसेज के अंदर लेकर आएंगे कुछ पोस्ट को, तो ये उस मामले में भी क्या कर देगा, एडवाइस देगा। हर कॉम्पिटिटिव और डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंट एग्जाम है वो भी कराना, इन्वेस्टिगेट मॉनिटर एंड इवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा काम, ये फंक्शन है, इसको आराम से आप लोग पढ़ लेना, किसका है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का। आपको मोटे तौर पर ये बात ध्यान रखनी है कि एचपीएससी के अंदर एट प्रेजेंट कितने मेंबर हैं, एट प्रेजेंट कौन इनके इसके चेयरमैन है, पहले चेयरमैन कौन थे और इस्टेब्लिशमेंट कब हुई। बाकी की चीज़ें भाई मैं छोड़ रहा हूँ चेतन सर के ऊपर, वो अपने पूरा डिटेल के अंदर पढ़ा देंगे। देखो ऐसी बात नहीं है, क्या होता है, डबल डबल रिपीटेशन नहीं करनी। उनकी पॉलिटी का मतलब है कि खुद जो है एरिस्टोटल आकर पढ़ा रहे हैं, अरिस्तू आकर पढ़ा रहे हैं, तो भाई उनसे ऊपर तो यार कुछ है ही नहीं, सर से ऊपर। तो अब क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी हुआ, उसके साथ साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हुआ कोई भी, अब उन में जो भी चीज़ें आप लोग सर से पढ़ोगे ना, वो सारी की सारी चीज़ें अप्लाई हो जाएगी। तो मैं अपनी सरदर्दी कम कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो फंक्शंस आपको वहाँ पर, बाकी कैसे प्रोसेस है वो देख लेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने हरियाणा के बारे में, हाँ हरियाणा का कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है एसपीएससी का तो वो हम लोग जरूर जानते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है भाई, हरियाणा लोकायुक्त, लोकायुक्त। देखो लोकायुक्त आप लोगों ने काफ़ी सुना है, इनकी इसकी अपॉइंटमेंट को लेकर वो थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेंगे। लोकपाल, लोकायुक्त, ये दो इम्पोर्टेंट है। जब आप उस लोकपाल बिल को पढ़ते हो तो उस बिल में एक बात लिखी हुई थी कि इस बिल के लागू होने के एक साल के अंदर अंदर
इस एक्ट के पास होने के एक साल के अंदर अंदर सभी स्टेट को अपने यहाँ पर लोकायुक्त को बनाना है। आपको पता है कि पहला लोकायुक्त 1970 में उड़ीसा में, और पहला बिल पास करने वाला 1971 कौन था? महाराष्ट्र। उड़ीसा में पहले बन गया था, फिर किसके अंदर? महाराष्ट्र के अंदर। हरियाणा के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ ये ध्यान रखना। लोकायुक्त होता कौन है? देखो, सरकारी सरकारी होता है, आपको पता और मेरे को पता है। कल की डेट को आप भी एक सरकारी पद पर आओगे तो आप भी बहुत सारे काम करने में आनाकानी करोगे, तो मल फंक्शनिंग बहुत ज़्यादा होती है एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, अलग अलग फील्ड को लेकर। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर चलती रहे, इन सब की देखभाल के लिए, इनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, इनकी जांच के लिए, इन पर निगरानी रखने के लिए हमने क्या बनाया है? स्टेट लेवल पर लोकायुक्त बनाया है। अब समझते हैं ये लोकायुक्त के बारे में, कितने मेंबर होंगे। एक एक प्रकार का कमीशन है जो एडमिनिस्ट्रेशन पर निगरानी रखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारा जो पैसा है वो अच्छे ढंग में खर्च हो रहा है नहीं हो रहा है, इस पर नजर रखने के लिए हमारे पास सीएजी होता है। पैसे का बंटवारा करने के लिए हमारे पास फाइनेंस कमीशन होता है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो अच्छे से चलता रहे, उसके लिए हमारे पास क्या होता है? लोकायुक्त होता है। सिंपल सी चीज़ है। तो इसलिए लोकायुक्त के बारे में कहा भी जाता है कि ये प्रोटेक्टर होता है किसका? पर्सन का। और दूसरा ये भी कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये एक आँख होती है जो सब किसी एडमिनिस्ट्रेटर पर नज़र रखती है, जो हर एक प्रशासक पर नज़र रख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, कोई सरकारी काम कर रहा हूँ, तो मेरे ऊपर, मेरे को पता कि यार ऊपर लोकायुक्त बैठा हुआ है, मल फंक्शनिंग में ना करूं इस वजह से। तो ये जो वर्ड है, ये लोकायुक्त, ये स्वीडन वर्ड है, और वहां पर इसको ओम्बुड्समैन कहा जाता है, गार्जियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। देखो, मैंने आप लोग को बताया निगरानी रखने के लिए, नजर रखने के लिए। इसी से आपको पता चल जाएगा इसके क्या काम होते हैं, क्या फंक्शनिंग होती है। खैर, आप लोग अच्छी तैयारी करने वाले, इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा, इतना तो जानता हूं। गार्जियन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अब गार्जियन होता क्या? जैसे हमारे मम्मी पापा है, हम कहीं भी जाते हैं तो नज़र रखते हैं कि लड़का गलत जगह पर ना पहुंच पाए, गलत संगत में ना पड़ पाए। तो हमारे गार्जियन जिस तरीके से हम पर नज़र रखते हैं, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन पर नज़र कौन रखता है? ये न रखते, इसलिए इसको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटेक्टर ऑफ द पर्सन भी कहा जाता है। और अब बेसिक बात आपको क्या ध्यान रखनी है, पहले जो लोकायुक्त थे वो कौन थे? प्रीतम पाल सिंह। और अभी कौन है? नवल किशोर अग्रवाल। कौन बनता है लोकायुक्त, क्या कुछ चीज़ें कंडीशन होती, वो अभी हम लोग समझने वाले हैं। देखो, आपके एक एग्जांपल भी बताता हूँ। हरियाणा के अंदर क्या हुआ था? हरियाणा में लोकायुक्त एक्ट को पास किया हमने 1997 के अंदर, लेकिन 1999 के अंदर महावीर प्रसाद जो कि उस टाइम पे गवर्नर थे हमारे, उन्होंने इस एक्ट को क्या कर दिया? रिपील कर दिया। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर एक्ट पास हुआ था लेकिन वो एक्ट हट गया था, तो इसकी कोई इम्पोर्टेंस यहाँ पर नहीं रही। आप लोकायुक्त एक्ट डाउनलोड करोगे तो उसमें सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाई दे जाएगी लोकायुक्त के बारे में, हरियाणा के बारे में। 12-13 पन्नों की रिपोर्ट आपको दिखाई देगी, आप उसको पढ़ोगे इसलिए समझ में आ जाएगा। देखो, उसके बाद हमने लोकायुक्त एक्ट पास किया 2003 के अंदर, और वो एग्जिस्टेंस में कब आया? 1st of August 2004 के अंदर। 2002 के नाम से ये बिल बना हुआ है, 2002 में बिल आया था, 3 के अंदर प्रेसिडेंट साहब की, सॉरी गवर्नर साहब की भी अप्रूवल मिली इसको, और फिर इसको कमेंस कर दिया गया कब से? 1st of August 2004 से। तो अभी का जो हमारा लोकायुक्त चल रहा है वो 2003 के एक्ट वाला लोकायुक्त चल रहा है। इसी में कंपोजिशन बताई है, इसी में ये बताया कि कैसे लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट होगा, कौन करेगा, ये सारी चीज़ें। तो अपॉइंटमेंट और बाकी चीज़ों के बारे में समझ लेते। एक आधे क्वेश्चन तो फैक्चुअल बनेंगे ही बनेंगे कि प्रेजेंट में लोकायुक्त हरियाणा के कौन है। देखो, अपॉइंटमेंट स्टेट लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? हमेशा गवर्नर करता है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ पोस्ट ऐसी है, कुछ पद ऐसे हैं जिसके अंदर गवर्नर या प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं और लिखा आता है बाय वारंट अंडर हिज हैंड या बाय सील, अधिपत्र जारी करके। अधिपत्र का मतलब क्या होता है? जैसे आपकी जब अपॉइंटमेंट आती है तो उस पर
एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, एक अधिपत्र होता है बाई वॉरंट अंडर हिज सील का हैंड का मतलब ये होता है कि एक टाइप से अधिपत्र जारी होगा। तो गवर्नर अपॉइंट करेगा। अब एक चीज आपको यहां पर जो ध्यान रखनी है, अब देखो आप लोगों ने कोलेजियम का नाम सुना होगा, जब भी कोलेजियम वर्ड आता है तो आप सोचते हो कि अच्छा सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के जजेस की बात हो रही। नहीं, कोलेजियम का मतलब ही होता है क्या, ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल। ये है एक कोलेजियम, इसके अंदर मान लो ए पर्सन है, बी पर्सन है, सी पर्सन है, ये तीन से मिलकर बन गया अपना क्या, कोलेजियम। जब अपॉइंटमेंट होती है लोकायुक्त की तो आपको ध्यान रखना है कि कोलेजियम क्या करेगा, एडवाइस देगा किसको, गवर्नर को, और इस कोलेजियम की एडवाइस से अपॉइंटमेंट कर दी जाएगी किसकी, लोकायुक्त की। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, लोकायुक्त शैल बी अपॉइंटेड ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम, किसकी एडवाइस है, इस लोकायुक्त, इस कोलेजियम के अंदर एक तो होगा कौन, सीएम चीफ मिनिस्टर, एक होगा अपना कौन, स्पीकर ऑफ विधानसभा, सॉरी हाँ लोक विधानसभा ही है, विधानसभा का स्पीकर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन एंड चीफ जस्टिस। ये बता देता हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो उसके अलावा कोई और है तो दूसरा जज, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्निंग हाई कोर्ट। तो स्पीकर, विधानसभा का स्पीकर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस, इनसे मिलकर क्या बनता है अपना, कोलेजियम बनता है, और ये सभी के सभी एडवाइस देते हैं किसको, गवर्नर को, फिर इनकी अपॉइंटमेंट होती है। अब यहां पर आप खुद सोचो कि जो व्यक्ति क्या बनेगा, जो व्यक्ति लोकायुक्त बनेगा उसके लिए क्वालिफिकेशन ही होती है, या तो वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का क्या होना चाहिए, जज होना चाहिए। ध्यान रखना, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, जज हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है उसी को हम लोग क्या बनाते हैं, लोकायुक्त बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में कोलेजियम में चीफ जस्टिस या फिर जज को होना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है कि जज के बारे में एक जज ही बेटर बता सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने इस कोलेजियम में गवर्नर अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन सीएम होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, विधानसभा का स्पीकर होगा, और कौन होगा अपना, चीफ जस्टिस, इनसे मिलकर कोलेजियम बनेगा और उसकी अपॉइंटमेंट की जाएगी, एडवाइस ऑफ सीएम। अब एक बार ये भी इसको लेकर भी केस हो गया था कि भाई सीएम जो है, सीएम एडवाइस देगा ही देगा, ऐसा उसके लिए बाध्य है, कंपलसरी है या नहीं है, तो फिर मना कर दिया गया था कि नहीं भाई सीएम एडवाइस दे ऐसा जरूरी नहीं है, कि वो मना भी डिनाई भी कर सकता है उसको, लेकिन जनरली गुड गवर्नेंस के केस में ये होता है कि सीएम एडवाइस दे देता है। तो ये था अपना किसके बारे में, लोकायुक्त के बारे में। अब अगला आपको ध्यान रखना कि जो इनका टेन्योर होता है वो कितना होता है, 5 ईयर, 5 साल इनका टेन्योर होता है, और रेजिग्नेशन, रिजाइन अगर करना हो तो किसको रिजाइन करेंगे, गवर्नर को, राज्यपाल को अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं। अभी के टाइम पे जो प्रेजेंट लोकायुक्त हमारे कौन है, नवल किशोर अग्रवाल, ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हरियाणा SSC, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, बेसिक बातें ध्यान रख लेते। देखो मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ, पढ़ाने को यार हज़ारों चीज़ें हैं, आप जितनी चीज़ें चाहोगे उतना हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि प्रैक्टिकली ना तो मैं उतना पढ़ा पाऊँगा और ना आप उतना पढ़ पाओगे। मतलब आपको एक एक चीज़, फैक्चुअल चीज़, एक एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ अगर कायदे से पढ़ाई जाए तो उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें ध्यान रखनी है, मैं हर क्लास के अंदर बोलते आया हूँ, आप इतना कर लो, कोई भी एक छोटी सी कोई भी बुक ले आओ, नहीं ला रहे तो इतना कर लो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, उतने में आपका काम चल जाएगा क्या, दौड़ेगा, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हाँ, इक्का दुक्का क्वेश्चन है, जैसे हरियाणा SSC पूछता है, वो तो सबके छूटने हैं यार। उसने एक क्वेश्चन पूछा कि साक्षी मलिक का जन्म कब हुआ, यहाँ अपने जन्म का नहीं पता यार, उसके जन्म की क्या ध्यान रखें। तो ऐसे क्वेश्चन तो सबके ही छूटने हैं, वो ना तो मैं पढ़ा पाऊंगा और ना वो आप पढ़ पाओगे। अगर मान लो हरियाणा के, टोटल हरियाणा के 15-20 क्वेश्चन आ रहे हो, उसमें 2 क्वेश्चन ऐसे आ भी गए, तो ये सोच के चलो कि सबके छूट रहे हैं। लेकिन
क्वेश्चन थोड़े से कॉन्सेप्चुअली थोड़े से ऐसे है, वो आपके लगभग क्लासें बन ही जाएंगे, उससे बड़ी बात कोई है ही नहीं। अब हरियाणा एसएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, वही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे ग्रुप ए सर्विसेज की वैकेंसीज निकालता है, उनके एग्जाम कंडक्ट कराता है, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंदर। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 28 जनवरी 1970 के अंदर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पंचकुला के अंदर है, ठीक है। चेयरमैन कौन है? भरत भूषण भारती। सेक्रेटरी ईसा कंबोज। ये इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग को ध्यान रखनी है। देखो भाई, फर्स्ट सबॉर्डिनेट सर्विस टू हरियाणा एसएससी वाज कॉल्ड द सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। पहले इसको किस नाम से जानते थे? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से। देखना है फंक्शंस क्या है इसके। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के नाम से जाना जाता था। इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन रजिस्टर्ड ग्रुप सी एंड अंडर स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट की ग्रुप सी की जो वैकेंसीज है उनकी इनिशियल अपॉइंटमेंट, उनका एग्जाम कंडक्ट कराना, उनके प्रमोशन, उनके ट्रांसफर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट, इनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराना, इनके लिए रूल्स डिसाइड करना, इवन स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस भी करना, ये भी किसके अंदर आता? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। तो ये एक प्रकार का सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन की एक छोटी बहन के रूप में देखा जाता है इसको, ठीक है। अगर बड़ी बहन एचपीएससी है तो छोटी बहन हरियाणा एसएससी है, बड़ी बहन होती है। देखो दूसरा है मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड द प्रिंसिपल टू बी फॉलोड। तो क्या रिक्रूटमेंट का मेथड होना चाहिए, एग्जाम कैसे कंडक्ट कराना चाहिए, इनिशियल अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर करना एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट के लिए, एग्जाम रूल्स बनाना, ऑर्गेनाइजेशन है उसकी निगरानी रखना, उसकी देखभाल रखना, ये सारा काम इसी का होता है, हरियाणा एसएससी का, ठीक है। ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। अब अपना आता है कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाअधिवक्ता, ठीक है। क्या ध्यान रखना है इनके बारे में? आर्टिकल 165, देखो एक तरफ मैं लिख रहा हूं अटॉर्नी जनरल और एक अपना होता है कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ध्यान रखना इनका नाम ही है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, राज्य का महाअधिवक्ता। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। कानून की जानकारी हर व्यक्ति को नहीं होती है और ना ही हर व्यक्ति इतना ज्यादा कैपेबल होता है कि कानून को समझ सके, सीख सके, और उस कानून की जानकारी के लिए उसको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। जैसे आपको कानून की जानकारी चाहिए तो आप एक वकील के पास जाते हो, और वकील के पास जब जाते हो तो वकील के चार्जेस होते हैं, तो कानूनी पेच वकील जानता है। सेम कंडीशन क्या है, सरकार जो है हमारी, सरकार एक बड़े ही सिस्टमेटिक वे में चले, सरकार को कानूनी जानकारी देने वाला हो, सरकार को दूसरी जानकारी देने वाला हो, तो सरकार को कानूनी जानकारी लीगल मैटर्स में एडवाइस करने वाला जो होता है यूनियन लेवल पर होता है अटॉर्नी जनरल, और स्टेट लेवल पर कौन होगा? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 76 जो है वो अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है, आर्टिकल 165 जो है वो स्टेट के एडवोकेट जनरल के बारे में बताता है। अब ये एडवोकेट जनरल जो है ये क्या करता है? इसका वही काम होता है जो यहां पर अटॉर्नी जनरल का। ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट को, राज्य की सरकार को किस मैटर में एडवाइस देता है? लीगल मैटर्स के अंदर, जो कानूनी मामले हैं उसके अंदर सरकार को क्या देगा? एडवाइस देगा, ठीक है। सरकार ने जो भी लीगल मैटर्स मंगवाए हैं, सरकार ने जो हेल्प मांगी है उसमें लीगल मैटर में सरकार को एडवाइस देगा, और बेसिकली गवर्नर होता है। अब इसको ये बोल सकते हो कि ये स्टेट का पहला लीगल ऑफिसर है, राज्य का पहला विधिक अधिकारी है, या ऐसा भी बोल सकते हो कि ये राज्य सरकार का विधिक अधिकारी है, स्टेट गवर्नमेंट का लीगल ऑफिसर है, या ये बोल सकते हो सरकार का लीगल ऑफिसर है, एक ही बात है, स्टेट का बोलो। इनकी अपॉइंटमेंट करता है गवर्नर। अब जब गवर्नर अपॉइंटमेंट करता है तो ऐसा व्यक्ति जो हाईकोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन को पूरी करता हो उसको एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बनाया जाता है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अटॉर्नी जनरल हुआ,
एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल उसको बनाया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो, एडवोकेट जनरल उसको बनाया जाता है जो हाई कोर्ट का जज बनने की क्वालिफिकेशन रखता हो। अब एडवोकेट जनरल जो है स्टेट का, एक बात और इसमें ध्यान रखनी है कि इनका टेन्योर जो कार्यकाल है वो 5 साल का नहीं होता, इनका जो टेन्योर है इन प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत रहता है, हिंदी थोड़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, गवर्नर के प्लेजर का मतलब है कि जब तक गवर्नर चाहेगा ये अपने पद पर बना रहेगा, जिस दिन गवर्नर या मतलब केंद्र सरकार ने हटा दिया तो इसको पद से हटा दिया जाएगा। सिंपल एक वर्ड में बात करूँ, सरकार का वकील है कौन? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। ऐसे आप लोगों ने कई बार मामले देखे कि स्टेट, हर स्टेट के अंदर होता है, स्टेट के अंदर मान लो किसी एक दल की सरकार नहीं बन पाई, स्टेट के अंदर फ्लोर टेस्ट हो रहा है, स्टेट के अंदर कोई भी लीगल मैटर आ गया, तो ऐसे मामलों में इनके नाम आपको सुनाई देंगे, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। ये जो अटॉर्नी जनरल होता है इसको पूरे भारत की किसी भी कोर्ट में ऑडियंस का राइट मिला हुआ है, सुनवाई का अधिकार मिला हुआ है। दूसरा, इस अटॉर्नी जनरल के बारे में एक बात और बता दूं, आर्टिकल 88, इसके बारे में तो ये चीज़ें नहीं लिखी हुई है, आर्टिकल 165 ही है, इसमें आर्टिकल 88 में लिखा हुआ है कि ये जो है अटॉर्नी जनरल वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में बैठकर उसकी कार्रवाई में, उसकी प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, वहाँ पर अगर कोई पक्ष रखना चाहे वो भी रख सकता है। क्योंकि यार देखो सिंपल सी चीज़ है, सरकार की पैरवी कर रहा है, सरकार की पैरवी करने का मतलब ये हुआ कि सरकार के पॉजिटिव नेगेटिव को भी लेकर आना है इसको। अब कानूनी मामले बहुत सारे ऐसे होते हैं जहाँ पर सरकार को उतनी चीज़ें नहीं आती समझ में, तो उस कंडीशन में सभा देने के लिए अटॉर्नी जनरल भी होता है, ठीक है। सेम कंडीशन राज्य के अंदर किसकी है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की है। तो ये अपने कुछ स्टेट थे जिनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब मैं आप लोग को बता देता हूँ थोड़ा सा पॉलिटी के बारे में। मैंने आप लोग की पॉलिटी स्टार्ट कराई थी, जो पार्ट वन है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट से हुआ था, नया स्टेट कैसे बना, उसके बाद सीएम के बारे में, इन सब के बारे में लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर करवा दी, कुछ छोटी मोटी चीज़ रही होगी तो वो भी हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कवर कर लेंगे। ये था आज की क्लास का आपका पूरा टॉपिक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।